Hello, sir. How are you? Welcome to the manager. Hello, sir. How are you? Okay. मर्द जूम कर लेना दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को और नकम्मत है इबादत के लिए कर रो गया। यानी जो इंसान दूसरे के दर्द को महसूस करता है एक्चुअली वही इंसान है। जीता तो दुनिया में जानवर भी है ना। हम वैसे बहुत लोगों की दुनिया में दो कैटेगरी है, जो एक जानवर की तरह जीता है और एक इंसान की तरह जीता है। जानवर की तरह वो जानवर है, इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उससे बाहर नहीं सोचता वो। लेकिन जो असली इंसान की तरह सोचता है वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचता है। तो आज हम पंजाब कठोर पंजाब के हमारे यहाँ सिंह साहब हैं। हम सब दिल की अनेक गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप उस जुमरे में शामिल हो गए हैं जो इंसानियत के लिए जीता है। ये जो यहाँ एक प्ले सेंटर बनाया है, लेकिन हमने इनसे एक रिक्वेस्ट किया था, सर हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन का हमारा सेक्शन है, तो वो यहाँ तशरीफ लाए। जब उन्होंने ये देखा कि हमारी एक जरूरत है, तो उन्होंने इस दर्द को महसूस किया और इतना खूबसूरत हमारे इन स्पेशल बच्चों के लिए प्ले एरिया दिया, जो जब तक ये स्कूल जिंदा है तब तक एक यादगार रहेगा, हमें याद दिलाता रहेगा कि कुछ ऐसे भी लोग आए थे यहाँ जो हमारे दर्द को महसूस करते थे। आज का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इसका इम्पोर्टेंस सबको पता होना चाहिए, खास करके यहाँ के जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं, सबको पता होना चाहिए। सो द टॉपिक इज ऑटिज्म। तो ऑटिज्म होता क्या है, ये खास करके ये बेसिकली यहाँ पे जितने टीचर्स बैठे हुए हैं, मेनली इट इज़ फॉर देम, ठीक है, बाकी आप सब लोगों के लिए भी है। तो अब ऑटिज्म क्या है कि हर 10 या फिर 20 बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है, और हम ये
कंट्री में भी बहुत सारे बच्चों के पास है, बट इससे क्या होता है कि सब लोग उनको अलग तरीके से देखते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये एकदम बहुत ही गलत प्रैक्टिस हो रहा है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज इस चीज को छोड़ देना अभी के अभी। बस शायद बस कसिम जी पीछे कह रहे, कसिम स्पेशल चिल्ड्रन का सेक्शन है, इसके लिए 31 पंजाब की तरफ से आज उनके यहाँ सीओ साहब तशरीफ लाए थे, शानू कृष्णा जी और उनके बाकी हमरा जो थे, तो उन्होंने जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेटेड एरिया को यहाँ बनाया है, चिल्ड्रन प्ले एरिया। तो आप इसमें देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के झूले,
और स्ट्रेस रिलीविंग इक्विपमेंट्स उन्होंने यहाँ आज हमें प्रोवाइड किया है। तो ये उनकी तरफ से हमें बड़ा एक इनिशिएटिव है हमारा, जो हम काम कर रहे हैं इसको इंक्रेज करने के लिए। तो आपको पता है ये वाहिद स्कूल है जो स्पेशली एबल बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग चलाते हैं। तो इस सिलसिले में इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पहले हमारे एक्टिविटीज़ मोस्टली इंडोर होते थे, तो अब हम अपने स्पेशल बच्चों को आउटडोर ला सकते हैं, जिसमें वो लोग यहाँ खेलेंगे तो इनका स्ट्रेस लेवल बड़ा रिलीज होता है, बड़ा इन्जॉय करते हैं। तो हमने देखा है कि बच्चों के बहुत फ़र्क पड़ रहा है इससे, जो इनकी डेवलपमेंट है उसमें बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो हम दिल की अमीर गहराइयों से सेव साहब का 31 पंजाब और उनके जो जितने भी हमरा है जिन्होंने इसमें हमें ताउन दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बच्चे इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का, मीडिया का भी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ आए, जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग आते हैं, हमारा साथ देते हैं, इससे हमें हौसला मिलता है, क्योंकि इन चीज़ों में लोगों को इंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों से, पब्लिकली से अपील करते हैं कि इसमें हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं, ये पूरे इस कौम के लिए एक सरमाया है। तो इंशाल्लाह हम सब मिल के अगर काम करेंगे तो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।